तो वोडाफोन, आइडिया, जियो, एयरटेल समेत बाकी जितने भी दोस्तों यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज है, टोटल दोस्तों 8 टेलीकॉम कंपनीज पर सरकार ने दोस्तों बड़ा फाइन लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा फाइन जो है यहाँ पर सारी टेलीकॉम कंपनीज पर लग चुका है। तो अब ये फाइन आखिर लगा क्यों, इससे आपके ऊपर क्या असर होगा, क्या आपको फायदा होगा, क्या आपको नुकसान होगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को भी दोस्तों जरूर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको पता है हम हमेशा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। टोटल जो यहाँ पर 8 कंपनीज पर फाइन लगाए गए हैं, जिनमें दोस्तों नाम है BSNL, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया यानी कि वी, उसके बाद दोस्तों MTNL, वीडियोकॉन, टाटा टेली सर्विसेस, कॉडलाइन टेली सर्विसेस, इन सब का दोस्तों यहाँ पर नाम यहाँ पर शामिल है। मतलब इन सब को जो है सब बहुत बड़ा जो है फाइन देना पड़ेगा। तो हम बात करें तो सबसे बड़ा जो फाइन लगा है, सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर फाइन लगाया गया है, वो दोस्तों लगाया गया है BSNL को। जी हाँ दोस्तों, BSNL को जो है सबसे बड़ा फाइन लगाया गया है, वो कि दोस्तों यहाँ पर तकरीबन होने वाला है 30.1 करोड़ रुपीज का। जी हाँ दोस्तों, 13.1 करोड़ रुपीज का जो है ये फाइन होने वाला है। फाइन लगाया गया है वी पर यानी कि वोडाफोन आइडिया पर, जो कि दोस्तों यहाँ पर होने वाला है 1.82 करोड़ का। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर फाइन है कॉडलाइन टेली सर्विसेज का, जो कि दोस्तों है 1.41 करोड़। और उसके बाद में दोस्तों एडल पर है, जो कि दोस्तों यहाँ पर है 1.33 करोड़ का। और उसके बाद में जियो, वीडियोकॉन, टाटा, उन सब पर दोस्तों जो है फाइन है वो यहाँ पर दिखाया नहीं गया, उन सब पर दोस्तों थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पर फाइन लगाया गया है। सो अगर हम दोस्तों बात करें ना इस पर दोस्तों फाइन लगाया गया क्यों, तो इन सारी कंपनीज ने यहाँ पर दोस्तों ब्रेक किया है टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन को। जी हाँ दोस्तों, इसको जो है यहाँ पर उल्लंघन किया है इन सारी कंपनीज ने। टोटल फाइन है वो है दोस्तों 35 करोड़ रुपीज का। अब दोस्तों आपको बता दूं कि इन पर दोस्तों फाइन लगाया गया है इस लॉ को ब्रेक करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, स्पैम SMS और दोस्तों स्पैम कॉल्स, जिसके दोस्तों आपसे ही सबसे बड़ा यहाँ पर नुकसान होता था, उसको दोस्तों इसके वजह से दोस्तों इन पर जो है बैन लगाया गया। ट्राई का ये कहना है कि इन सारी कंपनीज को अच्छे से दोस्तों मॉनिटरिंग करनी चाहिए, फेक SMS भेजने से पहले आपके रूट पर कौन कौन सी SMS जा रही है, उन पर दोस्तों इन कंपनीज को जो है मॉनिटरिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों हम बात करेंगे फ़ायदे या नुकसान की, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो आपका और हमारा हुआ है। जब दोस्तों ऐसा लगता है कि इसके बाद में जो स्पैम कॉल है और जो SMS है, फ्रॉड SMS, फेक SMS, वो दोस्तों आना थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके, कम हो। सो आपका इस बारे में क्या कहना है, ये चीज़ दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताएं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।